मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 इयर्स एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि किन महिलाओं में या तो फीमेल फैक्टर्स जो होते हैं फॉर आईयूआई प्रोसीजर, सो क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं आईयूआई प्रोसीजर के इन केस ऑफ फीमेल फैक्टर्स। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि आजकल हम देख रहे हैं कि वेजिनिस्मस का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बढ़ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लेवल, जो वर्किंग स्टाइल है, जो लाइफ स्टाइल है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। और अभी भी जैसे हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को यह चीज़ के बारे में अवेयरनेस पहुँचाएँ, और इसका जो ट्रीटमेंट है वह भी ऑर्किड हॉस्पिटल में पॉसिबल है। सो जो भी महिलाएं हैं जिनको वेजिनिस्मस का प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे दिस इज अ वजाइना, दिस इज द यूट्रस, ये दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज हैं। सो स्पेशली वेजिनिस्मस का अगर प्रॉब्लम है कि जिन पेशेंट में इंटरकोर्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, सो ऐसे पेशेंट में हम आईयूआई प्रोसीजर कर सकते हैं। दूसरा कि यदि उनके ओवरीज जो है इसमें टाइम पे ओविलेशन नहीं हो रहा है या तो एन ओविलेटरी डिसफंक्शन है, इवन काफ़ी बार ऐसा हम देखते हैं कि सर्वाइकल फैक्टर कि जो बच्चादानी का मुख है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, वहाँ पे इरोजन जिसे हम बोलते हैं कि अगर अल्सर हो गया है, तो ऐसे पेशेंट में भी आईयूआई प्रोसीजर से उनको प्रेगनेंसी में रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा है कि इम्यूनोलॉजिकल, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे इंटरकोर्स पॉसिबल हो रहा है, हस्बैंड के जो सीमेन है वह जब भी वजाइना में रिलीज होता है तो जो सर्विक्स है, बच्चादानी का जो मुख है, वहाँ पे एक स्पेशल एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं जिसे एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज बोलते हैं, और इस वजह से जितने भी स्पर्म यहाँ पे रिलीज होते हैं, जो लाइव स्पर्म है वह सारे यहाँ पे ही डेड हो जाते हैं। तो इस वजह से जो भी लाइव स्पर्म है, एक भी लाइव स्पर्म नहीं रहता है टू रीच एट द फेलोपियन ट्यूब। सो दिस इज अ वेरी कॉमन इंडिकेशन फॉर आईयूआई प्रोसीजर, जिसे हम इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। दूसरा है कि अगर महिला को माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि चॉकलेट सिस्ट जिसे हम कहते हैं, सो बेसिकली चॉकलेट सिस्ट में क्या होता है कि उनके जो ओवरीज हैं उसमें यह सिस्ट डेवलप होता है, एंड इस वजह से उस साइड का जो क्वालिटी है वह कॉम्प्रोमाइज होता है। सो इन पेशेंट में अगर नेचुरली उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है आफ्टर ट्राइंग फॉर 3 to 6 months, तो बेस्ट प्रोसीजर इन केस ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस इज द आईयूआई प्रोसीजर। सो फ्रेंड्स, यह सारे मैंने इंडिकेशन आपको अभी समझाए हैं फॉर द फीमेल पार्टनर के जो इंडिकेशन है, फैक्टर्स है फॉर गोइंग टू द आईयूआई प्रोसीजर। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या तो योर प्रोसीजर के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, नियर डियर हैं, उनको आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अच्छे से यह चीज़ के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।